प्रदेश सरकार के निर्देश पर लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर शनिवार को सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग कराई गई थी। पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग करती रही। डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने भी महानगर की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए शासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जो 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक चलेगा, जिसका पूरा पालन कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने कहा, मैंने थोड़ा शहर का भ्रमण किया है, एसपी सिटी भी मेरे साथ है, तो उनको कहना है कि जो भी बाहर अभी भ्रमण कर रहे हैं वो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, जैसे मेडिकल सर्विसेज या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकले हुए हैं, हम लोग सभी को चेक कर रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि हम सिर्फ वही लोग बाहर निकले जो बहुत ही आवश्यक काम से बाहर निकले हो। और मुझे लगता है कि अभी एक आध घंटे बाद और अच्छा आपको ये कंप्लायंस दिखाई देगा, और कल भी बहुत अच्छा कंप्लायंस दिखाई देगा। जो भी निर्देश गवर्नमेंट के हैं उसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं।